बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर हैं ये क्योंकि इसमें जो अगर हम ऑपरेटर बनाएंगे ब्रैकेट ओपन करके डी वाई, तो यानी डी की पावर भी जो है वो वन है, तो ऐसे में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और जेड हैं, और हम यहाँ पर एक्स तो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिखा है, लेकिन आप एक्स मान सकते हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल टी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। तो दो इक्वेशंस यहाँ पर दे रखे हैं, डी माइनस 17 वाई प्लस 2 डी माइनस 8 जेड इज इक्वल टू 0, 13 डी माइनस 53 वाई माइनस 2 जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जैसे एक्स का कोई फंक्शन होता है तो बिल्कुल क्लियर होता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर होता तो कह सकते हैं एक्स, अगर नहीं लिखा तो आप एक्स ही यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पर सॉल्यूशन में इसको लिखने के बाद इक्वेशन मान लेंगे, हम यहीं पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ये सॉल्यूशन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और दो इक्वेशन आ गए। अब हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वाई जेड हैं उनमें से कोई एक बचे और दूसरा हट जाए, इलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पर जेड को इलिमिनेट हम कर देंगे क्योंकि इनके साइन प्लस और माइनस हैं जेड के, तो यानी दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे जब हम कोएफिशिएंट को इक्वेट कर पाएंगे तब। यहाँ पर तो जेड को कोएफिशिएंट 2 है और 2 कॉमन ले देंगे यहाँ से, तो डी माइनस 4 आ जाएगा। तो डी माइनस 4 अगर इस पर ऑपरेट कर देते हैं तो दोनों कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर इस वाले इक्वेशन 2 में डी माइनस 4 इस पर ऑपरेट कर देते हैं ताकि ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएं। तो ऑपरेटिंग इक्वेशन 2y डी माइनस 4, डी माइनस 4 इसलिए क्या क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से मौजूद है और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, डी माइनस 4 बचेगा यहाँ पर। तो जब हम डी माइनस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यानी ऑपरेट करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 पे ऑपरेट कर रहे हैं डी माइनस 4, और ये 13 डी माइनस 53 वाई माइनस का 2 टाइम्स डी माइनस 4 जेड। और अगले स्टेप में हम इस 2 का अंदर इंटू करेंगे, देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 जैसा जेड का कोएफिशिएंट हो जाएगा, और साथ ही साथ हम इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इस डी का इसमें इंटू करेंगे तो 13 डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ये 53 डी हो जाएगा, 4 का इसमें इंटू करेंगे तो 52 डी आ जाएगा, और इसका इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस का 212 आ जाएगा। वाई का कोएफिशिएंट जो डी का फंक्शन है वो आ गया, 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 डी माइनस का 8 हो जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 1 जैसा इसको बनाना चाहते थे राइट हैंड साइड में 0, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया जो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिला है। अब हम 1 के साथ इसको ऐड कर देंगे, और इक्वेशन नंबर इक्वेशन डालने से पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं, इनको मिला के एक करना चाहते हैं। ये आ जाएगा 13 डी स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे यहाँ पर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 51, ये 5 बन जाएगा डी, और ये 10 हो जाएगा, और प्लस का 212 वाई, और माइनस का 2 डी माइनस 8 जेड इज इक्वल टू 0। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें जो 2 से मिला है, और 1 को इसमें ऐड करेंगे तो डी माइनस 17 वाई और माइनस प्लस का सॉरी 2 डी माइनस 8, ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने इसके नीचे लिख दिया है, और इन दोनों को हम 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो देखने की कोएफिशिएंट मैच कर रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों चूँकि ऐड हो रहे हैं तो हम बाई कॉमन ले लेंगे, दोनों को ऐड करके लिख देंगे, तो 13 डी स्क्वायर माइनस 105 डी प्लस 212, और उसके बाद में ये ऐड हो रहा है डी माइनस 17 वाई को हमने बाहर लिख दिया, राइट हैंड साइड में भी ये दोनों ऐड होके 0 हो जाएंगे। अब इनको डी और डी को यहाँ पर जो माइनस प्लस हो रहे हैं वो कर लें, 13 डी स्क्वायर इन दोनों का डिफरेंस बचेगा 104 डी, और 270 में से 12 में से 17 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 195 वाई यहाँ पर है, और राइट हैंड साइड में 0 है। 13 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर डिवाइड करने पर आ जाएगा 8 डी, और प्लस का 15 आ जाएगा 13 से डिवाइड करने पर, राइट हैंड साइड में 0। ये हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है
जो वाई में जिसको सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले तो इसका निकालना होता है एक्सिलरी इक्वेशन। तो दी एक्सिलरी इक्वेशन इज़, इसमें वाई का जो कोफिशिएंट होता है डी का फंक्शन, उसमें डी की जगह पर एम पुट कर देंगे और उसको हम ज़ीरो के बराबर रख देंगे और इसके फैक्टर कर लेंगे 15 के फैक्टर 5 और 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस का 5m माइनस का 3 में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें से अगर कॉमन ले लिया जाए m को तो m माइनस का 5 हो जाएगा ये, और इसमें माइनस 3 कॉमन लेंगे फिर हमें मिलेगा m माइनस का 5, राइट हैंड साइड में 0, और इसमें से ये कॉमन लेंगे यानी m माइनस 5 को, तो m माइनस 5 को यहाँ से जब हम बाहर लेंगे तो m माइनस का 3 मिलेगा राइट हैंड साइड में, तो 0 है तो इसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो m की वैल्यू 3 मिलेगी, इसको 0 के बराबर करेंगे m की वैल्यू 5 मिलेगी, m की दो वैल्यू मिल गई। इनके करस्पॉन्डिंग हम y का जो CF है वो निकाल लेंगे, तो CF ऑफ y हो जाएगा C1 और यहाँ पर e टू दी पावर जो m की वैल्यू वो लिखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का C2 e की पावर में हो जाएगा 5 और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्मेलिटी अदा करेंगे कि y का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, तो 1/ में जो आपका इक्वेशन आया था ये लास्ट में, उसमें जो y का कोफिशिएंट होगा d का फंक्शन होगा उसको यहाँ लिख देंगे डी स्क्वायर माइनस का 8d प्लस का 15। फॉर्मेलिटी इसलिए क्योंकि इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 है, कोई भी x वाले टर्म नहीं है, तो 0 रखेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये 0 के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आया वो लिखेंगे, तो जो सॉल्यूशन है कंप्लीट y का वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, C1 e की पावर 3x प्लस का C2 e की पावर 5x, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होने की वजह से। अब ये जब हमारा y की वैल्यू आ गई तो हमें z निकालना पड़ेगा, और आसान है हमारे लिए इन दोनों इक्वेशन में से अगर इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले वाले की यूज़ करेंगे तो हमें dz भी करना पड़ेगा, तो यानी फिर हमें दोबारा से फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर z की वैल्यू निकालना तो यहाँ से निकल आई, क्योंकि वाई हमें पता है और इसमें डी जो ऑपरेट हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 में, तो dy मिल जाएगा और dy हम यहाँ से अभी निकाल सकते हैं। तो पहले हम dy निकाल के यहाँ पर रख लेते हैं, फिर आगे यूज़ कर लेंगे। तो y भी हमारे पास है और dy भी। dy का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंसिएशन करना, यानी y की वैल्यू हमारे सामने है जो कि c1 e की पावर 3x प्लस का c2 e की पावर 5x है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। जब डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं तो c1 इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, जब e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, e की पावर x लेकिन x नहीं है ये 3x है, 3x करेंगे 3 इंटू x का 1 हो जाएगा प्लस का C2 बाहर, और इससे e की पावर 5x का डिफरेंस है, e की पावर 5x इसका दोबारा करेंगे तो 5 इंटू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 को पहले लिख दें, 3C1 e की पावर 3x प्लस का 5 टाइम्स C2 e की पावर 5x, ये dy की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर इन दोनों का यूज़ आगे कर लेंगे, मीन्स y का और dy का। तब इक्वेशन नंबर 2 से हमें चूँकि y की वैल्यू z की वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 2 को लिख देते हैं। वहाँ पर हम इस ऑपरेटर को जब y पर ऑपरेट करेंगे मिलेगा हमको 13 ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं 13y माइनस का 3y माइनस का 2z इज इक्वल टू 0, यानी 2z को अगर हम राइट हैंड साइड में लें तो 2z की जो वैल्यू है प्लस में आ जाएगी, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये बचेगा, उसको हम राइट हैंड साइड में लिख जरूर रहे हैं 13dy और माइनस का 53y, इनकी वैल्यू पुट कर लें, बाद में z की वैल्यू निकलेगी 2 से डिवाइड करने पर। 13 इंटू dy की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर निकाल रखी है, उसको लिख देंगे 3c1 e टू द पावर 3x प्लस का 5c2 e की पावर 5x, उसके बाद माइनस का 53 और y की वैल्यू जो ऊपर हमने फाइंड की है ये वाली वैल्यू लिख देंगे, यानी c1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 5x, इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे 39 e टू द पावर 3x और इसमें 35 C2 e की पावर 5x, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 53 C1 e टू द पावर 3x माइनस का 53 C2 e की पावर 5x। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर हमें लिख देना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रहा है माइनस का 14 e की पावर 3x का कोफिशेंट माइनस का है, ये प्लस का डिफरेंस आ गया माइनस 14, ऐसे इनका डिफरेंस 7 और 5 हो जाते हैं 12,
तो उससे 12 हो जाएगा, प्लस का आएगा 12 आ जाएगा सी टू ई टू द पावर 5x। अब हम ये वैल्यू मिली हमें 2z की, अगर 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमको, सॉरी 2 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इनका डिफरेंस ले लिया था वो ये आ गया था, और इन दोनों का डिफरेंस लिया था तो ये आ गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे z की वैल्यू मिल जाएगी, लास्ट स्टेप होगी। तो z की वैल्यू जो मिली है वो हमारी आ गई है माइनस का 7 टाइम्स c1 e की पावर 3x प्लस का 6 टाइम्स c2 e की पावर 5x। तो c1 c2 की जो वैल्यू हमको मिल चुकी है, सॉरी y और z की वैल्यू मिल चुकी है, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, y की वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और z की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x मिली है इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y की वैल्यू हमें पीछे मिली थी c1 e की पावर 3x प्लस का c2 e की पावर 5x, रेड की वैल्यू -7 c1 e की पावर 3x प्लस का 6 c2 e टू द पावर 5x। इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा आखिर दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।